एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज कबीर 18 साल का हो गया था। वो बहुत हैंडसम लगता था। मैं उसे अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहती थी क्योंकि वही मेरा जीने का सहारा था। मैंने उसको बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाला था। आज उसने 12वीं कंप्लीट कर ली थी और बड़े अच्छे नंबरों से पास किया था। मैंने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था क्योंकि मैं उसको एक पढ़ा लिखा बेहतर इंसान बनाना चाहती थी और वो बहुत दिल लगाकर पढ़ता था। और वो मेरे इस काम से बहुत खुश था कि मैं ऐसे लावारिस लोगों की मदद करती हूँ। उसने आगे की पढ़ाई करके हमारे चैरिटी में ही काम करने लगा। आज हमारी चैरिटी दुनिया के नंबर दो पर है। और उससे मैं जब भी कहती हूँ कि तू शादी कर ले तो वो कहता है कि शादी करके क्या करना है, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता। क्या पता मेरी पत्नी कैसी आए, वे आपको इज्जत देगी या नहीं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं उससे बहुत विनती करती हूँ कि आगे की ज़िंदगी में जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन बहुत लंबा है। वह कहता है आपके साथ भी तो धोखा हुआ था, मेरे जन्म देने वाली माँ के साथ भी धोखा हुआ था। अब मुझे इस रिश्ते पर विश्वास नहीं है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों पर लुटा देना चाहता हूँ जो मजबूर लाचार हैं। मैं सोचती कि उसकी बात कहीं हद तक ठीक थी। मैं उसकी बात सुनते सुनते अपने बीते हुए कल में लौट आई थी जो मेरे साथ हुआ था और कबीर के माँ के साथ हुआ था। ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ अपनी कहानी। मैं एक ऐसी जगह पर काम करती थी, वहाँ पर मुझे रोज़ लोगों की नई दुख भरी कहानी नज़र आती थी। ऐसी ऐसी कहानी कि जिसे देख कर आँखों में आंसू आ जाते थे। मैं एक सरकारी समाज सेवा विभाग में काम करती थी और मेरा नाम रोशनी है। उस औरत को जब यहाँ पर लाया गया था उसके अंदर जान बाकी नहीं थी, पर उस औरत के अंदर दो ऐसी अजीब चीज़ देखने को मिले थे जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। एक ये कि उसके जान किसने ली और उसे यहाँ क्यों भेज दिया गया था। दूसरी बात ये कि वे जानवर उसके साथ क्यों आया था और उस औरत के चिपक कर क्यों लेटा हुआ था। वह क्यों उसको छोड़ नहीं रहा था। ये मामला हमें कुछ समझ नहीं आया। जो लोग उसे यहाँ छोड़ गए थे उन लोगों ने उसके बारे में जो कहानी सुनाई थी उसका अंजाम उस कहानी से बिल्कुल भी मैच नहीं मिल रहा था। क्योंकि जैसे ही हम लोग उस औरत को गुसल देने लगे हमने कुछ ऐसा देखा, हम सब सजदे में गिर पड़े। और सिर्फ सजदे में ही ना गिरे बल्कि फूट फूट कर रोने लगे थे। आज भी जब ये सब याद करते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। आज एक आम सा दिन था। सुबह से ही हम लोग काफ़ी बिजी थे। उस समाज सेवा सरकारी विभाग में लोगों की मदद की जाती थी। ये शहर का सबसे बड़ा जाना माना सरकारी सामाजिक विभाग था। यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, बूढ़े जवान बच्चे, हर किसी की मदद की जाती थी और वह भी पूरे अच्छे नीयत के साथ और मोहब्बत से। मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रही थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ था। एक बहुत ही बुरे इंसान से मेरी शादी कर दी गई थी। उसने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए थे, इतना जुल्म कि मैंने अपने आप को मिटाते देखा था। यहाँ तक कि मैं अपनी इज्जत सब कुछ खो बैठी थी। और उसके बाद उस आदमी को छोड़कर मैं यहाँ आ गई थी। यही समाज ने मुझे इतना परेशान किया, मैं खुदकुशी करना चाहती थी। इसलिए किसी ने मुझे ये राय दिया कि ऐसी जगह पर जाकर काम कर लो जहाँ तुम किसी की मदद करके तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा और वहाँ पर तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए मैं यहाँ काम करती थी। जब मैं अपने पहले पति के साथ रहती थी तो माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझे एक दिन इतनी बुरी तरह से पीटा कि मेरी औलाद भी मुझसे दूर चली गई थी। बस वही गम था जो मेरे दिल में बस गया था। उस आदमी की हरकतें और जुल्म अभी तक याद आते हैं और मेरी ज़िंदगी से वह चला गया। बहुत अच्छा हुआ मैं उसे कभी याद ना किया, पर सोचती थी कि काश एक बच्चा मेरे पास रह जाता तो आज मेरा सब कुछ होता। थोड़ी देर के बाद ही एक ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने था जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जिसे ज़्यादा खतरनाक मंजर हमने पहले भी देख चुके थे। लेकिन ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि कुछ अजीब था। उस औरत को जब यहाँ लाया गया तो शायद वो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी क्योंकि जो लोग छोड़ गए थे उन्होंने कहा था कि मैयत है। औरत की उम्र शायद 28 साल की थी, यानी कि जवान औरत थी। वे लोग उसे बड़ी बेदर्दी से लाए थे और बेदर्दी से ही छोड़ गए थे। उस औरत की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। खैर आज हमारे इंचार्ज भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूछा ये सब क्या है, तो उन लोगों ने जो बात बताई उसे सुनकर हम लोग हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि इस औरत का करेक्टर ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा कि कैसा करेक्टर था इस औरत का और इस औरत की जान किसने ली है, तो कहने लगे कि उसकी जान पूरे मोहल्ले ने ली है।
ये एक आदमी का काम नहीं है, गैरत के नाम पर ही समझ लीजिए, क्योंकि पूरे मोहल्ले की गैरत जाग गई थी। उसने जीना क्या था? हमारे जो सर थे, इस सरकारी सामाजिक विभाग के सबसे बड़े हेड थे और बड़े ही बेबाक आदमी थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों अचानक से आप लोगों की गैरत जाग गई थी? क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए वे मजलूम लोगों को भी देखते थे। ज़्यादातर यहाँ पर वे लोग ही आते थे जो इस दुनिया से जा चुके होते थे या फिर बड़ी बुरी हालत में होते थे। लेकिन जालिम लोग जो उनको यहाँ छोड़ने आते थे, वह बड़े मक्कार हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने भी सवाल कर लिया, कहने लगे कि आप खुद ही बताइए साहब जी, एक औरत जो जवान है, खूबसूरत है, अकेली रहती है, उसके घर में ना किसी मर्द का आना जाना है, उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं है, वह शादीशुदा नहीं है, और ऐसी औरत जब अचानक से ही माँ बन जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? शादी के बगैर जो औरत माँ बन जाती है, वह कैसी औरत होती है? उसकी जगह कोई आम आदमी खड़ा होता है तो यही कहता है कि हाँ, बुरी औरत होती है। लेकिन हमें पता था कुछ औरतों के साथ ऐसे किस्से भी हो जाते हैं कि जिसमें उनका अपना कोई कसूर नहीं होता, उन्हें जबरदस्ती ऐसी सूरत हाल में फंसा दिया जाता है। क्योंकि ये सब कुछ तो इसी समाज में होता है, यही बात उनको सर ने समझा दी तो वे लोग, ये ऐसा मामला नहीं था, और हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर जवान लड़कियां रहती हैं, इसलिए हम अपने मोहल्ले में ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते थे। कसूर उसका भी था। एक आदमी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, ये बढ़ चढ़कर बोलने लगी और उस आदमी पर हाथ उठाया। बस फिर बाकी लोग भी साथ मिल गए, जिसके हाथ में जो आया उसने उठाकर इस्तेमाल किया। कोई भी इस औरत को गुसल देने को तैयार नहीं था, कोई भी मौलवी इसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। किसी ने राय दिया यहाँ छोड़ जाइए, इसलिए हम यहाँ पर लेके आए हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं। हमारे सर ने कहा कि ऐसे तो आप लोग नहीं जा सकते, आप लोगों को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, अपने नाम भी लिखवाने पड़ेंगे। वे लोग कहने लगे कि हम क्यों अपना नाम लिखवाएं सर? सर ने कहा कि झूठे नाम लिखवाने की कोशिश भी मत करना, वरना हम आपकी जांच पड़ताल जरूर करवाएंगे। ये सामाजिक विभाग है, यूं ही नहीं बनाया गया, उसके भी कुछ वसूल होते हैं। वे लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन उनको इस सूरत हाल से गुजरना ही था। मुझे सर ने कहा कि रोशनी, तुम जरा इधर ही रुकना, मैं उनसे सारी जानकारी ले लेता हूँ, फिर उनको भेजूँगा। उस मैयत के पास ही बैठी थी जब अचानक से मैंने देखा कि जिसकी गाड़ी में उसको डालकर लाए थे, उस गाड़ी से कोई और भी निकला और मैयत के पास आया और आकर सीधा उस मैयत के साथ लेट गया। मैंने बड़ी कोशिश की उसे पीछे हटा दूँ, पर मैं उसे पीछे हटा नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने हाथ में एक डंडा उठा लिया और उसको पीछे करने लगी, लेकिन वह कुत्ता पीछे नहीं जा रहा था, एक काले रंग का बड़ा सा कुत्ता था। थोड़ी देर के बाद जो लोग इस मैयत को यहाँ लाए थे, उसमें से एक आदमी यहाँ आया, शायद उसका मोबाइल इधर ही पड़ा हुआ था। मैंने उसे पूछा कि सब क्या है, तो कहने लगा इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है, ये औरत अकेली रहती थी, उसके साथ ये कुत्ता रहता था, अब बाकी हमें नहीं पता क्या समस्या हुई थी। देखो तो अभी भी ये कैसे ये उसके साथ लेटा हुआ है। मैंने उस कुत्ते को हटाने की बहुत कोशिश की, एक बात तो तय थी, वह काटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे वह भी परेशान है। मुझे तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा था। वे लोग यहाँ से चले गए और जब सर ने ये मंजर देखा तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कहानी है? उन लोगों के पास उस औरत का मोबाइल फ़ोन भी था जो वे लोग जमा करवा गए थे। सर ने कहा कि मैं उस फ़ोन में देखता हूँ, उसका कोई अपना तो हो, उसको भी बुला लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो ये सब करके चले गए हैं, ये पुलिस केस तो बन जाएगा, लेकिन किसी एक बंदे के नाम ये केस नहीं है, इसलिए कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा, ना मालूम लोगों के नाम ये केस बनेगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तब तक तो ये मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन उसका कोई अपना तो होगा जो शायद उसको आखिरी बार देखना चाहता होगा। वह फ़ोन को सर्च करने लगे, वैसे तो लोगों ने फ़ोन पर कोई ना कोई लॉक लगाया होता था, लेकिन उस औरत ने कोई लॉक नहीं लगाया हुआ था। वह फ़ोन को जैसे जैसे देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा क्या बात है सर, ऐसा क्या देख लिया आपने फ़ोन में? तो कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे ये लोग सच कह रहे थे। मैंने कहा क्या मतलब? अभी वो यही बात कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने तस्वीर जूम की, वो फ़ोन गिराकर वहाँ से उठकर भाग गए। मैंने उनको कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा था। जैसे मैंने पहले बताया, बड़े समझदार, धार्मिक मामलों को समझने वाले इंसान थे, हर सूरत हाल से निपटने वाले समझदार इंसान थे, फिर ये ऐसे कैसे फ़ोन वहीं पटक कर चले गए थे? ये सब क्यों हो रहा था? पहले लोग उस औरत के ऊपर अजीब तरह के इल्ज़ाम लगाकर चले गए थे, उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे,
ये कुत्ता जो उसकी मैयत के ऊपर से हट भी नहीं रहा था, अब सर उसका फ़ोन देख रहे थे तो फ़ोन छोड़कर भाग गए। फ़ोन तो वहीं पर पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन की तरफ़ देखा, सर ने ऐसा क्यों किया था? मुझे लगता है वे लोग ठीक ही कह रहे थे। मैंने फ़ोन में देखा तो उस फ़ोन में औरत ने उस कुत्ते के साथ ही बहुत सारी तस्वीर बनवाई हुई थी। कभी उसके साथ बैठी थी तो कभी उसको खाना खिला रही थी, कभी उसका मुंह पकड़कर अपने मुंह के साथ लगाकर सेल्फियां बना रही थी। बस इसी तरह की ज़्यादातर तस्वीर थी जो कि समझ से बाहर थी, लेकिन ये तस्वीर देखकर नहीं भागे थे। उन्होंने शायद बाकी तस्वीर देखी थी। उस औरत की तस्वीर एक आदमी के साथ भी थी। मैं उस आदमी को नहीं जानती थी। ऐसा लगता था मोहल्ले वाले ठीक ही कह रहे थे, लेकिन जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके किरदार पर बात करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अब उसका मामला अल्लाह के पास चला गया है। अब वह जाने और खुदा जाने कि उसको सज़ा मिलेगी या नहीं। उस औरत का क्या होगा किसी को नहीं मालूम। मुझे सर ने कहा था कि मैयत के पास से हटना नहीं, और वैसे भी मैयत के पास से हटना नहीं चाहिए। जब कोई मर जाता है तो उसकी चारपाई के पास तब तक किसी ना किसी को बैठे रहना चाहिए जब तक कि उसे दफना ना दिया जाए। कुछ लोग ऐसी हालत में भी मरते हैं जब उनके आसपास कोई भी नहीं होता। यह अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उस कुत्ते से भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसने बहुत अजीब हरकत करना शुरू कर दी थी। उस औरत की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया था। मेरा तो जैसे दिमाग बंद हो गया था। ऐसे लग रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं क्या करूं, यहाँ से चली जाऊं या फिर किसी को बुला लाऊं? फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि सर को फ़ोन करती हूँ, वे कहाँ गए हैं। पर जब मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। कुत्ता बार बार भौंक रहा था। थोड़ी देर के बाद उस कुत्ते ने एक अजीब हरकत शुरू कर दी थी। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा लगा वह कुत्ता मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ा था। उस कुत्ते की पकड़ बहुत तेज़ थी। मैं तो डर के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर कुछ लोग आ गए। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि रोशनी, सर को कॉल करते हैं, अगर नहीं आते तो इस मैयत को हम लोग गुसल देने का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि अब तो ये इस दुनिया से चली गई है। मैंने कहा हो सकता है पोस्टमार्टम करवाना हो या उसका कोई अपना मिल जाए, तो फिर क्या करेंगे। ये बात भी अपनी जगह ठीक थी। वह कुत्ता बार बार भौंक रहा था। हम लोग सारे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बाद में पूछताछ करने आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मौत की वजह क्या थी, हमें वजह बताई जाए। हम होते तो पोस्टमार्टम करवा लेते। आप लोगों ने कैसे ये सब कुछ होने दिया? ये औरत भी देखने में गरीब नहीं लग रही थी, अच्छे घर और ख़ानदान की लग रही थी। उसके फ़ोन में उसके घर की तस्वीर थी, उसके कमरे के भी, उसके पास सब कुछ था। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर ये अकेली रहती थी तो फिर ये सब कुछ कैसे खरीद लेती, सब कुछ कैसे मैनेज करती? और ये कुत्ता भी महंगे नस्ल का लग रहा था, उसका ख्याल कैसे रखती? जो लोग मेरे पास बैठे थे वह कुल दो लोग थे। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। वह कहने लगे, आजकल मामला बड़ा ख़राब है, लोग बड़ी उल्टी तरफ निकल गए हैं। लड़कियों की वक्त पर शादी नहीं होती, फिर इसी तरह की हरकतें करती हैं। खैर, अब क्या किया जा सकता है? मैं दिल में सोच रही थी कि मेरी शादी तो वक्त पर हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी मेरे पति ने मेरे साथ कितना बुरा किया था। हर बार औरत गलत नहीं होती है, लेकिन हमारे समाज की किताब में जो किरदार औरत को दिया गया है उसके आखिर में यही लिखा है कि गलती औरत की होती है, चाहे वह कुंवारी हो या शादीशुदा हो, सब औरत की गलती होती है। ये पैदा हो जाती हैं क्योंकि उसके बाद वे सांस भी ले तो यही गलती उनकी है। मैं उनकी बातों में हाँ नहीं मिला रही थी। मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह कुत्ता बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। एक आदमी उसके लिए पानी लेकर आया, खाना लेकर आया, ये सोच कर कि शायद ये भूखा है, लेकिन ना तो वह खाना खा रहा था ना तो पानी पी रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको कहीं बंद कर देते, क्योंकि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के मूड में तो नहीं लग रहा था, लेकिन जानवर था, जानवर का क्या पता होता है। उसके मोहल्ले वाले जो कहानी सुना रहे थे वह तो इतनी अजीब थी कि उस पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा था। उनका कहना था ये औरत उस कुत्ते के साथ अकेली रहती थी, उस औरत का करेक्टर भी अच्छा नहीं था, ये औरत बुरी औरत थी, इसलिए किसी ने भी उसको गुसल नहीं दिया। सबने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, और मौलवियों ने भी हाथ उठा लिया था और कहा कि हम जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। एक बात ये भी है कि आजकल समाज में हर बंदा इतना परेशान हो गया है कि अपना गुस्सा और किसी पर निकालने के लिए तैयार ही बैठा रहता है, चाहे उसे पूरी बात का पता हो चाहे ना हो।
ये मामला भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन सर जो वहाँ से भाग गए थे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी। सर अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ गए थे किसी को पता नहीं था, इसलिए उनको वापस लाने का फ़िलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। पर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह थोड़ी देर के बाद वापस आ गए, पर वह अकेले नहीं थे, उनके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही उस आदमी ने उस औरत को देखा, वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगता था वह इस औरत को उसके पेट में जो बच्चा था उसी आदमी का था, क्योंकि वह कह रहा था कि तुम तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर ये क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, हमने जो सपने देखे थे वे टूट गए, अब क्या होगा। इसका मतलब कि मोहल्ले वालों की बात बिल्कुल ठीक थी, उस औरत के साथ उसका चक्कर था, तभी उसकी याद में यह आदमी फूट फूट कर रो रहा था। जब से यह आदमी आया था कुत्ता भी थोड़ा आराम से बैठ गया था, लेकिन अभी भी वह उस औरत की तरफ बार बार देख रहा था। उस आदमी की इजाज़त से गुसल देने का काम शुरू हो गया, उसने इजाज़त दे दी तो अब हम गुसल की तैयारी कर रहे थे, पर जैसे ही गुसल देने के लिए औरत को ले जाने लगे तो ये कुत्ता फिर से रोने लगा। उस कुत्ते का भौंकने का क्या मतलब था ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जब हम गुसल देने लगे तो मुझे 2 पल के लिए वे लोग मैयत के पास छोड़कर खुद किसी काम से बाहर चले गए, और उन 2 पलों में ही मैंने कुछ अजीब महसूस किया, कुछ ऐसा जो मुझे तो पता था कि इस तरह हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था। मैं डर सी गई, मेरे हाथ में जो सामान था वह गिर गया, मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं पागलों की तरह बाहर भागी। अब मुझे समझ आ गया था वह कुत्ता क्यों भौंक रहा था। मैंने उस आदमी को कहा, तुम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, तुमने उस औरत के साथ संबंध रखा, अल्लाह ने तुम्हें सजा दी, अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है, जो हो रहा है वह देख कर तुम भी घबरा जाओगे। लेकिन उसे अंदर मैयत के पास किसी ने जाने नहीं दिया, मेरी हालत देख कर ही सभी परेशान हो गए। मैंने उनको एक ही सांस में सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ है, तो वह भी हैरान रह गए। अब उस औरत का गुसल नहीं होगा, उसे निकाल कर कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही थी, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं था क्योंकि उसे कहीं और जाना चाहिए था और अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग उस औरत को अस्पताल लेकर जा रहे थे क्योंकि अब समझ आ गई थी कि वह कुत्ता क्यों भौंक रहा था, और जैसे ही कुत्ते ने देखा कि औरत को कहीं ले जा रहे हैं वह बिल्कुल आराम से हो गया, लेकिन साथ साथ चल रहा था, अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग उसको वहाँ ले गए, डॉक्टर ने भी ये मंजर देखा, वह भी हैरान रह गया। असल कहानी ये थी कि कुत्ता इसलिए भौंक रहा था क्योंकि वह औरत माँ बनने वाली थी, उसका बच्चा उसके तन में अभी तक जिंदा था। हम लोगों ने गौर नहीं किया था, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुसल देने के लिए उसे कपड़े पहनाने लगे, मैंने अपनी आँखों से ये मंजर देखा कि उसका बच्चा जिंदा है। एक औरत को ये बात महसूस हो जाती है, कैसे महसूस होती है ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, जल्दी जल्दी ऑपरेशन किया गया। बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उस पर करम किया, बच्चे को जल्दी ऑक्सीजन मशीन में रख दिया गया। डॉक्टर का कहना था अभी उम्मीद पर ही भरोसा कर सकते हैं, वरना तो मामला बड़ा ख़राब है, अगर बच्चा बच भी गया तो उसके आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। अब मैं उस बच्चे को देख रही थी, वह अपनी माँ के मरने के बाद इस दुनिया में आया था, अल्लाह का शुक्र था अभी तक उसमें जान बाकी थी, वह जिंदा था। कुत्ता भी अब आराम से एक जगह पर बैठ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, ये देखकर सोच रही थी एक जानवर को एहसास और फिक्र थी, लेकिन इतने सारे लोगों को ना तो एहसास था ना ही फिक्र, और ना ही उनके दिल में रहम था कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था। अगर ये औरत गुनहगार थी भी तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ये औरत गुनहगार नहीं थी तो फिर बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये जाने बगैर औरत की उस औरत की क्या गलती थी, जो आदमी उसके साथ इस गुनाह में शामिल था उस आदमी से बातचीत किया गया, उसने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहता हूँ, ये मेरे ऑफिस में काम कर चुकी है, फिर उसने हमारे ऑफिस का काम छोड़ दिया था और ये औरत ऑनलाइन काम करने लगी, लेकिन मैंने उससे बातचीत ख़त्म नहीं किया था। अब हमारी बातचीत मोहब्बत में बदल गई, मोहब्बत एक गहरे रिश्ते में बदल गई। मैंने 2-3 बार उसके घर आया था, लेकिन रात के अंधेरे में, उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बार बार उसे टालता रहा, ये कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी थी क्योंकि मैंने उसे शादी के सपने दिखाए थे। ये अकेली रहती थी, उसके पहले शादी हुई थी, उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसके बाद ये तलाक लेकर आ गई थी, उसके माँ बाप ने भी उसको निकाल दिया, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने लिए अच्छा घर और लाइफ स्टाइल बनाया था,
और ये वहीं पर रहती थी। जब मेरी उससे आखिरी बार बात हुई थी तो वो बड़ी परेशान थी। कह रही थी, लोग मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ तो सोचो। और फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इसको अपना नाम दूंगा, इस औरत से शादी कर लूँगा और उसे अपने पास रखूँगा, चाहे मेरी पहली पत्नी कुछ भी कहे। लेकिन उससे पहले कि मुझे ये खबर मिल गया, और अब ये इस दुनिया में नहीं है, जो यहाँ के सरकारी सामाजिक विभाग के सबसे बड़े सर का काम करते थे, वे इसलिए पागलों की तरह भाग गए थे क्योंकि उस आदमी को जानते थे, ये उनका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद वह उसे बताने के लिए भागे थे कि जिस औरत के साथ तुम्हारा संबंध था उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। वह औरत तो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैंने सर से बात की, उस आदमी ने कहा, अब मैं इस बच्चे को भी नहीं ले जा सकता, अगर उसकी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी माँ और बच्चे दोनों को ले जाता, तो या अपने बच्चे को खुद संभाल लेती। लेकिन एक सौतेली माँ जिसको ये पता चलेगा कि उसके पति की किसी और के साथ गलत संबंध बनाकर कि ये बच्चा पैदा किया, उसके बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी, ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर वह इंसान नहीं, फरिश्ता भी हो, तब भी वह उसको प्यार नहीं दे पाएगी जिसका ये हकदार है। और ये बच्चा तो बीमार है, उसका तो एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसे नहीं ले जा सकता। यानी कि बात तय हो गई कि वह औरत गलत नहीं थी, यह आदमी ही गलती कर बैठा था। अब उसे उस बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। हम लोग उस औरत के लिए बुरी तरह से रोए, उस पर बहुत जुल्म हुआ था। मैंने सर से बात की, मेरी बात उनको कुछ अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जिस तरह का काम है तुम ये सब कैसे कर सकती हो। मैंने कहा कि मैं काम बदल लूँगी, मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी, पर इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। सर ने ओके बोल दिया, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये तुम्हारे हवाले है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा दिल करे आ जाया करना, जब तुम्हारा दिल करे तो चली जाना, तुम्हें यहाँ से तनख्वाह पूरी मिल जाएगी। हम जब अनजान लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ काम करने वाले की मदद क्यों नहीं करेंगे, जो एक नेक काम कर रही है। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। मुझे लगा मुझे मेरी खोई हुई औलाद वापस मिल गई है। लेकिन अभी रास्ता बड़ा लंबा और कठिन, बच्चे को सांस की बीमारी लग चुकी थी क्योंकि उसे बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन मिल रही थी। ये अल्लाह का करिश्मा था, वह बच्चा बच गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार था। 2-4 महीने उसके अस्पताल में ही गुजरे। उसके बाद मैं उसे घर ले गई, मैंने उसका नाम कबीर रखा था। अभी वो मेरे साथ है और आज इस बात को 4 साल बीत गए हैं, मुझे ही माँ कहता है, मेरे साथ रहता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे अब ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। मैं उसकी माँ की कब्र पर कभी कभी जाती हूँ, उसकी कब्र से एक अजीब तरह की खुशबू आती है, ऐसी खुशबू अगर आप वहाँ बैठ जाए तो वहाँ से उठने का दिल नहीं करता, ऐसी खुशबू जो आपको पागल कर देगी। इस बात का मतलब कि अल्लाह उस पर कोई अजाब नहीं डाल रहा बल्कि उसे माफ़ कर दिया है। मैं उससे बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम परेशान ना होना, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल ठीक है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हूँ, और आखिरत में जब हम सब लोग मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे तो तुम बेशक अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेना, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। ये कहानी सुनाते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये ज़माना कितना बुरा है, बस ये देखता है ये काम गलत हो रहा है या नहीं देखता, उस गलत काम के पीछे वजह क्या थी। वह आदमी जो उस वक्त नाटक कर रहा था, वह कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, दोबारा कभी इस बच्चे से मिलने तक नहीं आया, जबकि वह सर का दोस्त था। सर ने कहा कि उसने तो दोबारा इस बच्चे का नाम तक नहीं लिया। सीधी सी बात थी कि उसने उस औरत को अपनी अय्याशी का सामान बना रखा था, उसके जज्बात से खेलता रहा, जब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी तो वहाँ से भाग गया। वह कुत्ता भी मेरे पास ही रहता है, उस कुत्ते का नाम मैंने टार्जन रखा है, मुझे बाद में पता चला वह भी हमारे साथ रहता है और वो मेरे घर की निगरानी भी करता है। मैं उसे बाहर ले जाती हूँ, खेलती भी हूँ, वह भी मेरे साथ खुश है। ऐसा लगता है कि मेरी एक छोटी सी फैमिली बन गई है, हम 3 लोग हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे मेरे पास हैं। सर भी मेरी तारीफ करते हैं, सरकारी सामाजिक विभाग में कहीं से भी अगर कोई फंड आता है तो कुछ भी आता है तो वो उसमें से मेरा छोटा सा हिस्सा ज़रूर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी आगे रास्ता बड़ी मुश्किल है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। वह जब भागता भागता मेरे पास आता है, मुझे मम्मी कहता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस समाज में अपना सर उठाकर चल रही हूँ, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। कुछ लोग जब इस बच्चे को मेरे साथ देखते हैं, जो लोग मुझसे शादी से पहले जानते थे,
वे कहते हैं, ये बच्चा क्या तुम्हारे पति का है या उसके बगैर ही तुमने पैदा कर दिया? मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। उनकी बातों पर हंस देती हूँ और बच्चे का हाथ पकड़कर आगे चल पड़ती हूँ। आप लोग बताइए, मैंने ठीक किया या नहीं? ये भी बताओ कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।